हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 38 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है रिमेंबर डेट टाइम वेट्स फॉर नन। ओके दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है बैंकिंग यानी विश क्षेत्र में प्रयुक्त ईएमआई का तात्पर्य क्या है। बताइए दोस्तों, फुल फॉर्म बतानी है ईएमआई की, तो वह होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है। बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये, तो वह है इंडोनेशिया में। ओके दोस्तों, ये जो है दोस्तों बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर विहार अथवा बोरबुदुर इंडोनेशिया के जो है मध्य जावा प्रांत के मलेलांग नगर में स्थित 750 से लेकर 850 ईस्वी के मध्य महाकाव्य बौद्ध विहार है और यह आज भी संसार के सबसे बड़ा जो है बौद्ध विहार है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिनमें से 3 का जो है ऊपरी भाग वृत्ताकार है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इससे रिलेटेड। इंडोनेशिया जो है दोस्तों गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिमिया में स्थित जो है एक विशाल देश है। और दोस्तों ये जो है इस देश की जनसंख्या लगभग कितनी है, 40 करोड़ है, और ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल कौन सी है बताइए इंडोनेशिया की, तो दोस्तों वह है जकार्ता, ठीक है। और जकार्ता जो है यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। करेंसी है यहाँ की दोस्तों इंडोनेशियाई रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, तो वह है जोको विडोडो, ठीक है। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ के मरूफ अमीन, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है। बताइए दोस्तों, तो वह लिखी गई है पाली भाषा में। ओके, ये जो है दोस्तों पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे भगवान बुद्ध, उनके उपदेशों का संग्रह है, किंतु इसका कोई भाग बुद्ध के जो है जीवन काल में व्यवस्थित या लिखित रूप में धारण नहीं है, ठीक है, रूप धारण कर चुका था। और ये जो है दोस्तों ये कहना कठिन है, लेकिन जो अधिकांश बौद्ध ग्रंथ हैं उनकी जो रचना है वो पाली भाषा में हुई है। ओके दोस्तों, दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जो उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था वो कहाँ पर हुआ था बताइए, तो दोस्तों वह हुआ था पीपल वृक्ष के पास, ठीक है, बोधि वृक्ष पर। और जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था बताइए, तो दोस्तों वह दिया था उन्होंने सारनाथ में, ठीक है। और दोस्तों उन्हें जो है महापरिनिर्वाण वह कहाँ हुआ था बताइए, तो दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवाजी राव गायकवाड़ किस मशहूर कलाकार का वास्तविक नाम है। बताइए, तो दोस्तों वह है रजनीकांत। ओके दोस्तों, इनका उपनाम क्या है, रजनीकांत और थलाइवा, ठीक है। कौन है ये पेशे से, अभिनेता है, निर्माता है और पटकथा लेखक है, समाजसेवी है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धता डैश द्वारा हटाई जाती है। बताइए किसके द्वारा होती है, तो दोस्तों वह हटाई जाती है किडनी के द्वारा। ओके, ये जो होता है दोस्तों किडनी वृक या गुदे, इनका जो जोड़ा होता है एक मानव अंग है जिनका प्रधान कार्य क्या है, मूत्र उत्पादन करना, ठीक है, यानी रक्त शोधन कर उनका करना। और ये जो है गुदे बहुत ही वर्टिब्रेट पशुओं में मिलते हैं। ये जो होते हैं दोस्तों मूत्र प्रणाली के अंग हैं और इसमें मुख्यतः यूरिया और अमोनिया होते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया ब्रांड अभियान चालू किया गया था। बताइए दोस्तों क्या था ये, तो
वह भारत में बड़े स्तर पर निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। ओके दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो था मेक इन इंडिया, भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया था और अर्थव्यवस्था की विकास की रफ्तार बढ़ाने, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन, ठीक है, ये सब था इसका उद्देश्य। और भारत का निर्यात उसके आयात से कम होता है, बस इसी ट्रेंड को बदलने के लिए सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने की मुहिम को शुरू करने के लिए मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ नीति की शुरुआत की थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, तो वह स्थित है राजस्थान में। ओके, ये जो है गुरु शिखर चोटी राजस्थान के अरबोड़ा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है, और ये जो है 1722 मीटर यानी 5676 फीट की ऊंचाई पर है, और माउंट आबू से ये क्या है जो दोस्तों शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के बारे में बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इससे रिलेटेड। राजस्थान की जो कैपिटल है आप सभी जानते हैं, वह है दोस्तों जयपुर यानी पिंक सिटी, और जयपुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इसकी जो राजभाषा है कौन कौन सी बोली जाती है दोस्तों, तो वह है हिंदी। और इस राज्य का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 30 मार्च 1956 को, ठीक है। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो उनका नाम है कलराज मिश्रा, और सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रगति की उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी? बताइए दोस्तों, तो वह था जहांगीर, ठीक है, इनके शासनकाल में हुआ था ये। जहांगीर जो था दोस्तों, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का जो काल था, ठीक है, ये जहांगीर ने हैरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आका रीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। और जहांगीर के काल के जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे बताइए? तो उनका नाम था फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर तथा अबुल हसन, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि प्लूटो अब कोई ग्रह नहीं रह गया है, तो सौर प्रणाली के सबसे भारी कक्ष वाले ग्रह का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, तो वह है वरुण। ओके, वरुण, नेपच्यून, ठीक है दोस्तों। हमारे सौर मंडल में सौर्य से जो है आठवां ग्रह है, और व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण जो है, वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से जो है दोस्तों बहुत अधिक है, और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण से थोड़ा अधिक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? बताइए दोस्तों, तो वह है दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे रिजर्व बैंक के बारे में बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ये कि इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था 1 जनवरी 1949 में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो दोस्तों वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और दोस्तों इसके जो गवर्नर है वो कौन है बताइए? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। वित्त सचिव कौन है हमारे बताइए? तो दोस्तों उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैरिली बोन क्रिकेट क्लब 11 की कप्तानी करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं जिसने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की द्विशताब्दी समारोह के दौरान आयोजित मैच में खेला था। बताइए दोस्तों कौन थे वो प्लेयर? तो वह थे सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बस्तर क्षेत्र में अव्यवस्थित है? अवस्थित कौन है बताइए दोस्तों? तो वह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है।
ये जो है दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह है इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है, जिससे इसको अपना नाम मिला है। और ये जो है दोस्तों दुर्लभ जंगली भैंसे की अंतिम आबादी वाली जगहों में से एक है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में बात हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है जो अब चेंज हो चुकी है वो कौन सी है दोस्तों, तो वह है नवा रायपुर, यानी बताइए दोस्तों अटल नगर, ठीक है। और इस राज्य का गठन कब हुआ था, वह हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। और जो है दोस्तों रायपुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। सीएम कौन है यहाँ के बताइए, तो उनका नाम है रमन सिंह और गवर्नर है अनसुईया उइके, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है, तो दोस्तों वह है पृथ्वी का परिक्रमण, याद रखिएगा। ये जो होता है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या है, तो ये किसी ग्रह का वह आधा भाग होता है जो उसकी विषुवत रेखा के नीचे यानी दक्षिणी ओर होता है। और गोलार्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए, तो दोस्तों उसका मतलब होता है आधा गोला, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जहां आबादी का घनत्व सबसे कम है, बताइए दोस्तों, तो वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ओके। ये जो है दोस्तों इस श्रेणी में शामिल क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व जो है 100 व्यक्ति या उससे भी कम प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित संघीय क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है मिजोरम और थर्ड है सिक्किम, ठीक है। ये जो है दोस्तों इनका जो कम घनत्व के जो प्रमुख कारण है उनमें से क्या है कारण, कौन से कारण है, तो वह है ऊंची नीची तथा विषम भू आकृतियाँ, कम वर्षा तथा अस्वास्थ्यकर जलवायु का होना, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में शामिल था, बताइए दोस्तों, तो वह थे अरविंद घोष, ओके। ये जो हुआ था दोस्तों अलीपुर बम षड्यंत्र, यह हुआ था 31 अगस्त 1908 को, कहाँ पे हुआ था ये बताइए दोस्तों, तो ये हुआ था बंगाल में। ये जो थे अरविंद घोष या श्री अरविंद, इनको लगभग एक वर्ष के लिए तक अलीपुर बम कांड के तुरंत बाद यहाँ पर रखा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीनिंग टावर कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों, तो वह है पीसा में स्थित, ठीक है। ये जो है दोस्तों लीनिंग टावर, इसे कहा जाता है पीसा की झुकी मीनार, इसका जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 1372 में, और ये जो है दोस्तों इटली में स्थित है, इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है, को वास्तु शिल्प का जो है अद्भुत नमूना माना जाता है। और अपने निर्माण के बाद से ये जो मीनार है लगातार नीचे की ओर झुकती रही है, और इसी झुकने की वजह से जो है ये है दुनिया भर में भी मशहूर रही है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, तो दोस्तों वह है अर्थशास्त्र कौटिल्य, ठीक है। ये जो है दोस्तों कौटिल्य द्वारा संस्कृत का एक ग्रंथ है, संस्कृत में रचित है ये कौटिल्य के द्वारा, और इसमें जो है राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना, तो दोस्तों वह थे चंद्रशेखर राव, ओके। ये जो था तेलंगाना राज्य का जो था दोस्तों जन्म, वह हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को हुआ था। और तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री जिनका नाम था श्री कलवान कुतला चंद्रशेखर राव, पूरा नाम था इनका, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां हर जिले में हाल ही में महिला हेल्पलाइन की स्थापना की गई, तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वह सेलिब्रेट होता है 7 दिसंबर को, याद रखिएगा दोस्तों। 20 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं बताइए, तो वह है यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, यूएन, ठीक है। और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक आपदा दिवस, याद रखिएगा।
नेक्स्ट 29 जुलाई, तो इस दिन सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एसएससी मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।